पहले हमें लगता था कि हमें इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ता है या जाना पड़ेगा, आज हमारे पास खुद इन्वेस्टर्स आते हैं कि वी वॉन्ट टू स्पेंड हेयर, वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट आवर मनी ओवर हेयर. आई गेस दिस इज बीन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल और समथिंग लाइक दैट, एंड आई हैव ट्राइड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑल्सो ट्राइड हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वॉज अमेजिंग. Our competitors are Starbucks. Mainly they aren't, but we are above them. I can say that. I was not a coffee lover, but then because of them, now I've been one. So like the best I would say here is like if you want to have in cold coffee, you should have Introduction to Heaven. Like it's something like that. Like I had my first coffee here was that, and after that it was like every other day I used to come here and have the same. We have a drink about for every customer. We have hot coffees, cold coffees, mocktails and desserts. We have a coffee for like coffee enthusiasts as well, like Red Phoenix, Mint Cocoa Blend and Cappuccino and Ristro and Espresso, for especially for coffee enthusiasts. Hi, Aditya here. Okay. So yeah. Aditi, what exactly are you doing right now? Actually, we both are college students, me and Rahul. This is a startup that started 3 years basically with a thought, with a single thought that we have to make coffee cafe. Actually, the name signifies Cofe Kala, so with the wrong spelling of coffee. Wrong is that in India there is no proper coffee culture. Missing F is for missing coffee culture in India. लोग कॉफ़ी पीते हैं बट प्रॉपर कॉफ़ी के बारे में नहीं पता है, कॉफ़ी पैलेट्स के बारे में नहीं पता है, कॉफ़ी बीन्स के बारे में नहीं पता है. तो जब हमने नाम सोचा तो वही मिस्ड द एफ एन ई फॉर द मिसिंग कॉफ़ी कल्चर. तो हमने थॉट के साथ स्टार्ट किया, फिर आफ्टर 12th वी ड्रॉप आउट ऑफ 1 ईयर. हमने उस पूरे साल है क्या नहीं है, तो अब हम लोग डायरेक्ट रोस्टर से कनेक्टेड हैं बीन्स के लिए. तो 7 Sisters ब्लेंड इज आर सिग्नेचर ब्लेंड, जिसमें हम अलग अलग तरीके के 7 beans को मिक्स करके एक ब्लेंड बनाते हैं. लाइक हर कैफ़े का अपना एक ब्लेंड होता है, तो हमारा ये ब्लेंड है. तो फिर हम धीरे धीरे हमने देखा कि यार इन्वेस्टमेंट इतना इजीली मिलती नहीं है, सो वी एंडेड अप विद दिस थॉट. फिर हमने इसे डेवलप किया, कियोस्क को डेवलप किया और इसे यहाँ पर खड़ा किया. फिर 1 साल की सारी रिसर्च के बाद फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करी फॉर इंडियन कॉफ़ी पैलेट, बेसिकली इंडियन कॉफ़ी पैलेट के, क्योंकि हमारी रिसर्च के अनुसार फॉर द कॉफ़ी टेस्ट फिल्टर कॉफ़ी इज़ बेस्ट, पर इंडियन पैलेट के लिए फिल्टर कॉफ़ी इज़ नॉट गुड. इंडियन पैलेट वाले लोग मीठी कॉफ़ी, मतलब मीडियोकर या फिर मीठी कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन प्रॉपर पैलेट ऑफ कॉफ़ी. फिर हमने अगले साल अलग अलग रेसिपीज़ रिसर्च करी, अलग अलग रेसिपीज़ डेवलप करी, फिर फाइनली हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की. फिर हमने 1 साल पहले करेक्ट दिल्ली हाथ में रखा और फॉर रिस्पॉन्स कि इन रेसिपीज़ को रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है. हम ऑलरेडी वैसे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, देख चुके थे कि अच्छी लग रही है कॉफीज, फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था दिल्ली हाथ में. फिर फाइनली दिस वॉज द प्लेस वी एंडेड अप विद दिस, बिकॉज यहाँ पे कम्फर्ट जोन था. एक्चुअली हमारी कॉफ़ी जो प्रेफरेबल है वो उन लोगों के लिए जो कॉफ़ी के बारे में जानते हैं, जो अच्छे से पीते हैं. तो हमने ऐसी रेसिपीज डेवलप करी जो बहुत कम अमाउंट ऑफ कैफीन से लेकर हायर अमाउंट तक जाता है, वो मेन्यू है हमारा, जो मीठे से मीठी पीने वाला पी सकता है और कंसंट्रेटेड से कंसंट्रेटेड कॉफ़ी पीने वाला इजीली हमारी कॉफ़ी ले सकता है. तो वी हैव फिल्टर कॉफ़ी, वी हैव एस्प्रेसो, वी हैव डिफरेंट रेसिपीज, इम्पोर्ट कॉफ़ी विद आइसक्रीम, विदाउट आइसक्रीम फ्रैपेज. सो दीज फोर आर द मोस्ट वैल्यूएबल बीन्स ऑफ इंडिया, मालाबार, पीबेरी, मैसूर नगेट्स, जो फिल्टर कॉफ़ी में यूज़ होते हैं, बेसिकली नॉर्मल कॉफ़ीज़ में यूज़ नहीं होते हैं. तो और 7 Sisters ब्लेंड इज़ आर्स एंड नॉर्मल इटालियन ब्लेंड जो हम हॉट कॉफ़ी में यूज़ करते हैं.
तो फाइनली यहाँ पे हम 6 महीने से हैं और वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छा रिजल्ट है. तो आई फॉर विद द फुल होप इस ईयर कैफे खड़ा हो जाएगा बहुत इजीली, जहाँ तक दिख रहा है. बिकॉज पहले हमें लगता था कि हमें इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ता है या जाना पड़ेगा. आज हमारे पास खुद इन्वेस्टर्स आते हैं कि वी वॉन्ट टू स्पेंड हेयर, दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट आवर मनी ओवर हेयर. तो आप अपने कस्टमर्स को कौन सी अपने यहाँ की कॉफ़ी रिकमेंड करोगे? एक्चुअली कोल्ड कॉफीज में जो बेस्ट सेलिंग आई कैन टेल यू दैट, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉफी लोग कम रिकमेंड करते हैं. तो कोल्ड कॉफी इज लिटिल स्ट्रॉन्ग वन, देन चिप्रैप विद द टू दी स्ट्रॉन्ग. सो दीज आर द बेस्ट कॉफी इन कोल्ड. एंड हॉट कॉफीज में हमारे डेवलप जो है वो मिंट कोकोआ ब्लेंड है, मौका प्रेसो है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, जो प्रॉपरली हमारी डेवलप्ड है. सो दीज आर गोइंग टू बेसिकली. थैंक यू. थैंक यू सो मच.